दिखाते हैं तुम्हारे ब्लॉग में मुंबई फैन कुछ दिन पहले बढ़िया भैया सूट बोलो दोस्तों हम रीवा आए हुए सूट पे दीपक भैया जी के तो चलते हैं यहाँ का ये लोकेशन है तो यहाँ का सूट आप सभी को दिखाते हैं तुम्हारे ब्लॉग में बने रहिए और यहाँ का ये था लोकेशन और इधर ये तैयारी चल रहा है शूटिंग का तो कैमरे वगैरह ले रेडी हो रहा है तो दोस्तों ये लोकेशन है यहाँ का शूटिंग काम लोग के और चलते हैं आप भैया लोग से बात करते हैं हमारी फिल्म शूटिंग कैसे हो रही है। ये हमारे भैया जी हैं दीपक भैया जी। सर्दी हो गई भैया जी का सर्दी हो गई भैया जी को तो भैया जी भी वीडियो कैसे शूट हो रहा है थोड़ा बताएंगे इसका। वीडियो सब स्क्रिप्ट रखी है यार कैमरा रखा है वो तो माइक रखी है ये गैरेज है अब यहीं शूटिंग हुई जो आने वाली हमारे फ्रिज सिस्टम और भाग टी शर्ट शूट कर ला है दू भाग शूट हो चुके हैं जे में नए नए किरदार हैं शुभम भाई हैं जो हमें डायरेक्ट करा था वो इधर की रोल वहाँ प्रभाकर भाई यहाँ बॉलीवुड एक्टर अफ्ताब भाई यहाँ और छोटे छोटे किरदार तो बहुत था अब हम तो इस कहते भूला था वही अब कह रहा है प्रभाकर भाई और राजा भैया हाँ किंग प्रोडक्शन सतना से बहुत सारे लोग हाँ दूर 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 से हमारे कलाकार आ रहे हैं बिंद के मंत्री जी बने हैं वहाँ हमारे पंचन का यह जल्द देखा कि मिली कुछ नया ट्राई करें बघेली वहाँ और म्यूजिक जो के साथ बनवा है मुंबई से मतलब BGM का ड्यूटी भेज दें हैं बहुत ज़्यादा मेहनत करी है तबियत आज हमारा खराब है कमर नहीं कर रहा है अब हम हमें मुंबई से आए कुछ दिन पहले तक हमारा स्टेटस फिर अपना पंच देखे हो तो वही काम से शूट करी शुभम भाई लग ले जाना हो पका कहा था। तो दोस्तों ये शुभम भैया हैं जो शूट करेंगे और किरदार भी निभाएंगे तो भैया जी कैसे हैं। हम बहुत बढ़िया हैं आप बताइए कैसे हैं। हम तो बढ़िया भैया शूट अभी नाम तो शायद अगर किसी ने बताया होगा तो ठीक है पापा एक मिनट नहीं नहीं बताना नहीं है रुक जाओ एक मिनट भैया जी तो एक्चुअली भी फ़ोन आ गया था इमरजेंसी कॉल था तो एक्चुअली जो हमारा किरदार है वो थोड़ा हम सीक्रेट रखेंगे बहुत अच्छा किरदार है शायद अच्छा हमने रोल नहीं कर पाया बट मैंने अपने से फुल 100% कोशिश किया कि उतना अच्छा अहम किरदार को अपनी भूमिका में निभाएंगे और उसके बाद फिर आगे देखते हैं अभी बहुत सारे सीन बचे हुए हैं और आज शिवा दादा भी आए हमारे साथ और इनका भी बढ़िया रोल है और अहम भूमिका ये भी निभा रहे हैं जो आपको पर्दे में देखने में अलग मज़ा आएगा हम YouTube के पर्दे में जी जी हम खुद बहुत दिन बाद दीपक भैया जी के सूट पे आए हुए हैं। प्रभाकर से कुछ बात कर ले बाबू नाम है इसका। अरे बाबा तो चलते प्रभाकर भैया से मिलते हैं। क्या प्रभाकर भैया क्या हाल चाल है। प्रभाकर का नाम क्या है पहले प्रभाकर का नाम पूछा। क्या प्रभाकर भाई आपका नाम मैन नाम वेब सीरीज देखेंगे तो पता चल जाएगा। बाबू बाबू नाम है बाबू लड़की वाला बाबू नहीं भैया जी बाबू बाबू करते हैं। क्या बात है तो वेब सीरीज देखने में बहुत ही मजा आएगा बहुत ही बेहतरीन इसका शूट और डायरेक्शन कुछ और भी तो नहीं है वेब सीरीज में। अरे नहीं मतलब सिस्टम तो सर कैसे आज फिल्म में शूटिंग जो है तो कैसे क्या रेडी हो चुका है ये देख सकते हैं सब लोग कलाकार हमारे तैयार हो चुके हैं तो यहाँ शूट चलने वाला है और यहाँ का ये जो है तो लोकेशन है यहाँ कुछ अलग लोकेशन है और अलग शूट होने वाला है तो चलिए देखते हैं शूट कैसे होता है बने रहिए हमारे ब्लॉग में। तो यहाँ का सीन हो चुका है तो चलते हैं दूसरे जगह सीन देखते हैं भैया जी का क्या होता है शूटिंग बने रही है ऐसी हमारे ब्लॉग में तो आगे देखते हैं शूटिंग कैसे हो रही है। तो देख रहे हैं गाइस ये हम लोग का बैग पैकअप हो रहा है और चलते हैं दूसरी जगह शूट पे हम लोग तो ये दीपक भैया जी इधर बातचीत कर रहे हैं कहाँ क्या शूट करना है। तो दोस्तों इतनी ठंड होने के बाद भी हम लोग को नाइट पे शूट हो रहा तो चलते देखते हैं शूटिंग कैसे हो रही है। वन एक्शन बड़ा
क्या बज रहा है भाई? तो दोस्तों 2 बजे के करीब शूटिंग। तो दोस्तों आज शूट हमारा चल रहा है नाइट शूट और 2 बज चुके हैं, तो चलिए देखते हैं और कैसे शूट हो रहा। कई दिन से शूट चल रहे हैं हमारे, तो देखिए हमारे फिल्म की शूट चल रही है। ये देखिए डायरेक्टर साहब हमारे आदरणीय दीपक भैया जी, दिखाई ला है ज्यादा गोरी पुलिस बनी आज भैया हमारा, लेकिन करिए अफसर पुलिस अफसर है। अरे पुलिस अफसर ये खड़े हुए हैं, डायरेक्टर सर और कैमरा मैन दोनों हैं, एक्टर भी हैं और एक्टर भी हैं भैया जी। तो ये कैमरा तो प्रभाकर भैया जी क्या है, आशुत मिलवा दीजिए सर, आशु भैया बैठे हुए हैं। तो अभी हमारी ये शूट की तैयारी चल रही है नाइट पे, और कुछ शूट हो भी चुका है कुछ सीन, और ये देख सकते हैं सभी कलाकार ठंडी में लगे हुए हैं, बहुत तेज ठंड पड़ रही है, लग रही है रात के बज गए एक डेढ़ बज रहा है, 1:30 बज रहे हैं, 1:12 अरे गजब आप देखा ओमनी लेनो देव बोल लगाते हैं तो लग रहा है हमारे भैया ड्रोन चली गया हमारा। तो यहां का ये लोकेशन है, ये पूरा सन्नाटा छाया हुआ है, इधर भी सन्नाटा छाया हुआ है, और ये हम लोग की गाड़ी खड़ी हुई है। कहाँ घूम रहे हैं? खाना खाएगा रन साहब। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं भाई, देख रही है आराम से आई